जैसा कि पिछले वीडियो में नींबू के रस से दूध को फाड़ के पनीर बनाया गया था और उसी पनीर से हमारे टीम के सदस्यों ने पनीर की सब्जी बनाई। आइए देखते हैं वो किस तरह से बना रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने गैस को जलाया है। गैस के ऊपर एक भगोने को रख के 200 ग्राम सरसों का तेल लगभग डाला है भगोने में। तेल गर्म होने के बाद उन्होंने 1 किलो कटा हुआ प्याज, 15 से 20 कटी हुई हरी मिर्च, 25 से 30 लहसुन की कलियों को एक साथ डाल दे रहे हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूं संगीता, खाने की खुशबू चैनल में आपका स्वागत है। इन सभी चीज़ों को उन्होंने एक ही साथ डाला है भगोने में, इस तरह से देखिए। अब एक पलटे से उसे वो लगातार चलाते हुए भून रहे हैं उसको। लगभग आधा किलो टमाटर कटा हुआ है, उसको भी उसी प्याज में डाल दे रहे हैं और उसको लगातार चलाते हुए भून रहे हैं। ऊपर से लगभग उन्होंने 2 से 2.5 चम्मच नमक डाला है और लगातार चलाते हुए अब उसे वो प्लेट से ढक दे रहे हैं। अब ये वही पनीर है जिसे हमने पिछले वीडियो में बनाया था। मैं तो पनीर के बहुत छोटे पीसेस काटती हूँ, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े पीस पनीर के बना रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि भगोने में प्याज और लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। देखने में तो हो गया, लगभग 4-5 मिनट हो गया, ये गल गया हल्का सा। अब इस भगोने को वो लोग उतारने जा रहे हैं और ठंडा होने के लिए रखने जा रहे हैं कि थोड़ा सा प्याज ठंडा हो जाए। अब यहाँ पे कृष्णा जी हैं जो एक सील बट्टे पे इसको पीसने की तैयारी करने के लिए प्लेट में निकाल रहे हैं सारे प्याज और टमाटर को ठंडा होने के लिए। आप देख रहे हैं कि कृष्णा जी पीसने की कोशिश कर लेकिन सही से नहीं पीस पा रहे हैं, इसलिए मुझे ही उनकी हेल्प करनी पड़ी। मुझे सील बट्टे पे मसाला पीसने का पुराना अनुभव है, क्योंकि हमारे गाँव में जब लाइट नहीं हुआ करती थी तो हम लोग गाँव पे सील बट्टे पे ही मसाला पीसा करते थे। अभी देखिए पेस्ट बन के तैयार हो गया है। अब एक गैस जलाने के बाद भगोने में लगभग 200 ग्राम सरसों का तेल ये लोग डाल रहे हैं। सरसों का तेल गर्म होने के बाद 2 चम्मच के करीब जीरा डाल रहे हैं, 7 से 8 तेज़पत्ता, और इसको हल्का सा भून रहे हैं। अब पीसे हुए प्याज टमाटर की प्यूरी को इसमें ये लोग डाल रहे हैं भगोने में, और इसको लगातार चलाते हुए मसाले को भून रहे हैं। इसको लगातार चलाने के बाद ऊपर से इन्होंने 1.5 चम्मच लाल मिर्च डाला है। ऊपर से इन्होंने गरम मसाला लगभग 20 ग्राम के करीबन डाला है, जो बाज़ार में आसानी से आपको मिल जाएगा रेडीमेड, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। और 20 ग्राम करीबन पनीर मसाला इन्होंने रेडीमेड ही यूज़ किया है। इन सभी मसालों को डालने के बाद इसे लगातार चलाते हुए भून रहे मसाले को। ऊपर से उन्होंने 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर लगभग डाला है और इसको लगातार चला रहे हैं। चलाने के बाद इसमें 2 चम्मच करीबन नमक डाले हैं ऊपर से, और इसको लगातार चलाते हुए भून रहे मसाले को। थोड़ा सा इसमें इन्होंने पानी भी मिलाया था और इसको लगातार चलाते हुए 4 से 5 मिनट तक इसको भूनेंगे। देखिए तेल छोड़ना शुरू कर दिया है मसाला। अब पैकेट का रेडीमेड ही इन्होंने मटर इसमें डाल दिया है, बिना धुले ही ये लोग इसको यूज कर रहे हैं। इसको चलाने के बाद इसको 2 मिनट के लिए लोग ढक रहे हैं। ये देखिए मसाला पूरा तेल छोड़ दिया है। दोबारा से इसको चलाने के बाद इसमें अब पानी डालने जा रहे हैं। लगभग 1 लीटर के करीबन इन्होंने पानी डाला है इसमें। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने अनुसार, जितना भी आपको डालना हो, ग्रेवी गाढ़ी करनी हो या पतली करनी हो। अब ये लोग चलाने के बाद इसको थोड़ा सा और ही ये लोग पानी इसमें डाल रहे हैं, इनको गाढ़ा लग रहा था ग्रेवी। अब इसको ढक दे रहे हैं प्लेट से। 10 मिनट बाद ग्रेवी में उबाल आने लगा है, देखिए। इसको दोबारा से ये लोग चला रहे हैं। अब इसमें कटे हुए पनीर को अब इसमें मिलाएंगे। कृष्णा जी लग रहा पनीर के टुकड़े को शायद छोटा किए हैं, ये देखिए। बाकी सारे पनीर के टुकड़े को भी इसी में डाल देंगे ग्रेवी में, और इसको हल्के हाथों से चलाते हुए सारे पनीर के टुकड़े को इसमें डाल दिया जाएगा। ये कृष्णा जी सारे पनीर के टुकड़े इसमें भगोने में डाल दे रहे हैं, और भीम जी इसको हल्के हाथों से चला रहे हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, बहुत तेज़ी से नहीं चलाया जा रहा है। गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे, ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे, और 10 मिनट के लिए इसको हम प्लेट से ढक के छोड़ देंगे, ताकि ये दोनों पनीर और ग्रेवी एक में मिक्स हो जाए और टेस्टी हो जाए थोड़ा सा। 10 मिनट हो चुका है, पनीर बन के बिल्कुल तैयार है। भीम जी इसको हल्के हाथों से चला रहे हैं। अब गैस को हम ऑफ़ कर देंगे। पनीर की सब्जी बन के अब तैयार है। अब हमारे टीम के सदस्य लोग इसे खाने के लिए बिल्कुल ही तैयार है और अपने अपने प्लेटों में निकाल रहे हैं। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं।
वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।